हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे राइट इन्फॉर्मर चैनल में। और इस टेक्नोलॉजी के रेस में कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं एक नए वीडियो। और इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका फ़ोन बार बार ऑन और ऑफ होता है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये ट्रिक ऐसा है कि आपका दोबारा फ़ोन कभी भी ऑन ऑफ नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसलिए कि मैंने इससे बहुत सारे फ़ोन को ठीक किया है जो फोन ऑन और ऑफ हो रहा था। और ये फोन ऑन और ऑफ किस लिए होता है, ये सारी जानकारी को देखने के लिए चलिए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे मैं वहां दिखाता हूं। देखिए, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और इस फोन के ऊपर मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से इस फोन को ठीक करेंगे जब आपका फोन बार बार ऑन और ऑफ होता है, बंद होता है और फिर अपने आप ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करता है। तो देखिए, इसको सबसे पहले आप ये जानिए कि फोन इस तरह से क्यों एक्टिविटी करता है। तो सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि जब कभी भी आप बहुत सारे ऐप को इंस्टॉल करते हैं फिर उसको डी इंस्टॉल करते हैं, तो इससे होता क्या है कि कुछ ऐसे क्रॉप्टेड फाइल होते हैं जो आपके जाकर के वो कैच फाइल में स्टोर हो जाते हैं और वही सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है जो बार बार आपके मोबाइल को रीस्टार्ट करता है और बार बार ऑन और ऑफ करता है। तो ये सिर्फ इसी के चलते होता है कि बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं और फिर उनको डी इंस्टॉल करते हैं तो उसका कुछ क्रॉप्टेड फाइल जो है वो हमारे कैच मेमोरी में हमारे के स्टोर हो जाता है और वो बार बार सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम करता है जिसके चलते हमारा फोन बंद और स्टार्ट होते रहता है बार बार। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से आप ठीक करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने फोन खोलना है। फोन खोलने के बाद ये जो आपको सेटिंग दिख रहा है, सबसे पहले आपको यहाँ सेटिंग में जाना है। चलिए, सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर सेटिंग का। यहाँ पे हो सकता है आपके फोन में ये लिखा हो एडवांस सेटिंग, तो कोई बात नहीं है, आपको जाना होगा एडवांस सेटिंग में। यहाँ पे मैं मोर सेटिंग में चलता हूँ और मोर सेटिंग में जाने के बाद आप थोड़ा सा देखिए, ये ऊपर की तरफ ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है, आपके भी फोन में ये लिखा होगा एप्लीकेशन या ऑल एप्लीकेशन, तो आपको ये एप्लीकेशन के अंदर जाना है। अब एप्लीकेशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे ऑल ऐप भी लिखा हो सकता है आपके फोन में, मेरे यहाँ ऑल लिखा है तो हम इसी के अंदर जाएंगे। यहाँ पे पूरा ऐप रहता है तो ये सारे ऐप इसमें आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे जाने के बाद से आपको यहाँ पे खोजना है गूगल प्ले स्टोर, खोजना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर हमें खोजना है। यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये गूगल प्ले स्टोर। अब आपको इस गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाना है। तो चलिए, इसके गूगल प्ले स्टोर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे आने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस दिखेगा स्टोरेज का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और स्टोरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको दिख रहा है कैच डाटा है, तो इसको क्या करना है, आपको जस्ट इसको क्लियर करना है कैच डाटा को। तो यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कर देंगे, ये क्लियर डाटा हो जाएगा। देखिए, आपके सामने क्लियर हो गया। अब जैसे ही क्लियर करना है उसके बाद इमीडिएटली आपको अपने फ़ोन को क्या करना है, रीस्टार्ट कर देना है, है ना। तो जस्ट आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे और उसके बाद से जब दोबारा से फ़ोन रीबूट लेगा, ऑन होगा, तो ऑन होने के बाद से आप देखेंगे कि आपका दोबारा से फिर फ़ोन कभी भी ऑफ नहीं होगा। ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम था ऑन ऑफ का, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है और कभी भी दोबारा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आपका फ़ोन ऑन और ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों, ये था वो टॉप क्लास का ट्रिक और ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। इससे मैंने बहुत सारे फ़ोन के ये सॉफ्टवेयर के इश्यूज़ को सॉल्व किया है, इसलिए ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से काम करता है। आप अपने फोन के अंदर इसे जरूर यूज कीजिए। यूज करने के बाद ये जरूर कमेंट्स में लिखिए कि आपके फोन का इश्यू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट्स में लिखिए, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे और आपके जरूर सॉल्यूशन बताएंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए और इसी तरह का ट्रिक और टिप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर।